हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं निकल करेंसी और इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं, वो टॉपिक अगर देखा जाए तो दोनों चीजों को कवर करता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में भी आपको पता है कि आजकल जनरल अवेयरनेस के मामले में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस आसपास आपके दिमाग आसपास आपकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इसके अलावा पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अभी अभी आपके एकदम रिसेंट में एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, हालांकि हम लोगों ने पूरा कवर किया था कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन लास्ट के एक या दो दिन छूट गए। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई थी उनसे रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हुए कहां थे, ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज आपको पता होना चाहिए कहां पे हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने कौन सी पोजीशन पे फिनिश किया। तो इंडिया फिनिश्ड ऑन थर्ड पोजीशन, इंडिया ने तीसरे स्थान पे फिनिश किया विद द टोटल नंबर मेडल टैली ऑफ 66 मेडल, यानी कि भारत ने 66 मेडल जीते और भारत ओवरऑल तीसरे नंबर पे रहा। अब 66 मेडल जीते जिसमें से 26 गोल्ड थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपन ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और मतलब सीरियसली पूरे भारत के लिए काफी प्राउड की बात है। 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर मेडल थे और इसके अलावा 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल अपन ने जीते हैं 66 मेडल और भारत ने फिनिश किया है 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पर कौन रहा, पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने मेडल जीते, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जीते 198 मेडल। दूसरे स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने कितने मेडल जीते, इंग्लैंड ने जीते 136 मेडल। और तीसरे स्थान पर भारत, भारत ने जीते 66 मेडल। हालांकि चौथे नंबर पर जिसको अपन इस बार पीछे किया वो है कनाडा। और कनाडा ने इस बार कितने मेडल जीते, कनाडा ने टोटल नंबर ऑफ मेडल कनाडा ने जीते 82। लेकिन अगर मेडल टैली की बात करिए तो गोल्ड मेडल्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए मेडल टैली में अपन है तीसरे नंबर पे। आगे चलते हैं, आगे अगर बात करी जाए तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे इस बार का एक सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन बनेगा, मैम आपसे कई बार डिस्कस कर चुके इस क्वेश्चन को, दैट क्वेश्चन इज कि इस बार सबसे उम्रदराज मतलब जो सबसे एजेड खिलाड़ी थे वो कौन थे। और ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया गया है हमारे लेक्चर्स में, और ये खिलाड़ी थे रॉबर्ट पिटकैन। हालांकि ये जीत नहीं पाए, लेकिन ही इज द एल्डेस्ट, मतलब इस बार अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को देखा जाए तो इन्होंने 79 वर्ष की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लिया। 79 वर्ष और इन्होंने इस बार पार्ट लिया आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसके अलावा एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है कि इस बार ऐसी कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी रही जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, तो ये हमारी साइना नेहवाल, भारत का प्राउड, भारत की प्राउड। और काफी टाइम से ये इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने दिखा दिया कि शी इज बैक, और शी इज बैक विद द 2 गोल्ड मेडल्स। इस बार इन्होंने बैडमिंटन में, एकल्स में और ओवरऑल टीम गेम में दोनों में गोल्ड मेडल जीता, और शी इज बैक विद द 2 गोल्ड मेडल्स। और ये पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई जिन्होंने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा ऐसा पहला कौन सा भारतीय खिलाड़ी बना जिसने पहली बार भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, भारत की तरफ से भाला फेंक में पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये थे नीरज चोपड़ा। कौन थे, नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा जी। और ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले भारत भाला फेंक खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा हाल ही में एक और आपके पास न्यूज आई होगी और काफी ज्यादा नाम डिस्कस हो रहा है इनका, मनु भाकर। लेकिन मनु भाकर को पीछे करने वाले भी इस बार कोई था जिन्होंने मनु भाकर को भी पीछे किया, और मनु भाकर से भी यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया, और ये थे अनीश जी, अनीश भंबला।
इन्होंने 15 साल की उम्र में गोल्ड मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आएगा। और इन्होंने काय में किस चीज में ये गोल्ड मेडल हासिल किया था, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। आइए बात करते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा बात करेंगे एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज की। मध्य प्रदेश के एक काफी पॉपुलर आर्टिस्ट कहा जाए, या फिर पद्मश्री अवार्ड विनर कहा जाए, या फिर कालिदास सम्मान से मध्य प्रदेश सरकार इनको अवार्ड दे चुकी है, ये हैं राम कुमार जी। लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आएगा कि राम कुमार जी जिनको मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान दे चुकी है, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड जो इनको दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड इनको 1972 में दिया गया था, लेकिन इनका संबंध किस फील्ड से है, इनका संबंध है चित्रकारी से, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, चित्रकारी से इनका संबंध था, और ये काफ़ी बड़ा दुखद खबर है हमारे लिए। इन्होंने अगर देखा जाए तो 1972 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1972 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। दैट्स वाई इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाम याद रखिएगा राम कुमार जी, और इनका संबंध किस तरह था, चित्रकारी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है, एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा, डेजर्ट टाइगर 5। क्या नाम है? डेजर्ट टाइगर 5, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। डेजर्ट टाइगर 5, इस टाइप से क्वेश्चन आपको बन के आएगा कि डेजर्ट टाइगर 5 किन किन देशों के बीच में ऑर्गेनाइज हो रही है, कौन कौन से देश इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। तो ये हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, और मलेशिया मिलके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। ये है डेजर्ट टाइगर 5। और अभ्यास का अगर उद्देश्य की बात करी जाए तो ये सैन्य अभ्यास है, और इसका उसका उद्देश्य है प्रदर्शन और युद्ध क्षमता के स्तर को बढ़ाना, और दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने के लिए रणनीति के आधार पर थल सेना की समग्र क्षमता और युद्ध तैयारी की तत्परता में सुधार करना। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है, यूए और मलेशिया के बीच में हो रही है, वो एक्सरसाइज है डेजर्ट टाइगर 5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में हंगरी में आम चुनाव हुए थे, हंगरी में कंट्री है एक हंगरी, और यहाँ पे चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और यहाँ पे जो इलेक्शन हुए इसमें विनर कौन रहे, तो ये रहे विक्टर ऑर्बान जी इन चुनावों में जीते, और ये विनर रहे, ये दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ये इनका लगातार तीसरा कार्यकाल रहेगा, यानी कि इससे पहले भी 2 बार इनका कार्यकाल रह चुका है, इनका तीसरा कार्यकाल रहेगा। हाल ही में भारत ने बहुत सारे MOU साइन किए, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि MOU साइन किए गए, लेकिन MOU किस कंट्री के संग में साइन किए गए थे, हालांकि ये MOU किस चीज से संबंधित बात कर रहा हूँ, संसाधनों को खोजना, भारत में संसाधनों को खोजना, यानी कि भारत में जो खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं या फिर कोई और चीज उपलब्ध है तो इसको खोजने से रिलेटेड जो MOU साइन किए गए हैं भारत ने किसके संग में साइन किए, तो ये कंट्री है मोरक्को के संग में भारत ने MOU साइन किए हैं, और संसाधनों की खोज से रिलेटेड ये MOU साइन किए हैं। अब एक और क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ये क्वेश्चन आ रहा है असम से, असम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, हालांकि ये क्वेश्चन आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक फेस्टिवल होता है बसंत ऋतु जो आती है, वसंत उत्सव भी इसको बोला जाता है, असम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बोला जाता है वसंत उत्सव, और ये फेस्टिवल कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनाया गया या कौन से नेशनल पार्क में मनाया गया, तो वसंत उत्सव या फिर वसंत उत्सव ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया, माफ कीजिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जिसमें ये सेलिब्रेट किया गया वसंत उत्सव, ये था आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये आपका सेलिब्रेट किया गया, मानस की जगह मैं माधव बोल रहा था, माधव शिवपुरी में, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये कितने दिवसीय था, ये 2 दिन का पूरा प्रोग्राम था जिसमें वसंत ऋतु को सेलिब्रेट किया गया और मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये सेलिब्रेट किया गया, और इसका उद्देश्य की अगर बात करी जाए तो सीमांत ग्राम वासियों के स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है गोवर्धन योजना। अब केंद्र सरकार जब कोई स्कीम लॉन्च करती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इनकी फुल फॉर्म याद रखें, गोवर्धन योजना, और गोवर्धन योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो स्टार्ट करी गई करनाल से, करनाल में कहाँ से स्टार्ट करी गई, करनाल हरियाणा,
हरियाणा से गोवर्धन योजना स्टार्ट करी गई है, और गोवर्धन योजना के बारे में अगर बात करी जाए तो इसको गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इसका सिमिलर ये गोवर्धन और एग्रो रिसोर्स, आई डोंट नो कहां से ये लोग इतने इंपॉर्टेंट मतलब एक्रोनिम लेके आते हैं। सीरियसली इसके लिए पूरी एक टीम बना के रखी होगी मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि इतने सीरियसली एक्रोनिम लेके आते हैं। गोवर्धन फंड स्कीम, गोवर्धन योजना, और ये अगर बात करी जाए तो ग्रामीण लोगों का स्तर सुधारने के लिए गोवर्धन योजना का स्टार्ट किया गया करनाल हरियाणा से, और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप रहेगी 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, और इसका टारगेट है ग्रामवासियों के जीवन में सुधार लाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभी 3R फोरम हुआ था, मैंने आपको बताया था रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज, ये 3R फोरम हुआ था, और ये कौन से स्टेट में हुआ था, तो आई होप कि आपको याद होगा ये कहाँ पे हुआ था, मध्यप्रदेश में, हमारे मध्यप्रदेश में कंडक्ट हुआ था 3R फोरम, और ये मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे कैंसर पेशेंटों के लिए, कैंसर जो कैंसर से पीड़ित लोग रहते हैं, बहुत जान घातक बीमारी होती है, और सच में अगर किसी को हो जाए तो सच में बहुत घातक बीमारी होती है, और उम्मीद करते हैं कभी किसी को बीमारी ना हो कैंसर बीमारी, और कैंसर पीड़ितों के लिए फ्री कीमोथेरेपी किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि कैंसर पीड़ितों के लिए फ्री कीमोथेरेपी दी जाएगी, तो ये स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ऐसी पहली सरकार बन गई जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो लोग कैंसर के मरीज हैं उनको कीमोथेरेपी बहुत मुफ्त दी जाएगी, क्योंकि कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो कीमोथेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसी पहली सरकार बन गई जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि कीमोथेरेपी मुफ्त में दी जाएगी या फिर फ्री दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यप्रदेश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी आपको पता होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आई थी, और उन्होंने एक मूर्ति की स्थापना करी, या फिर इसका बोला जाए तो एक स्मारक का उद्घाटन किया, तो ये स्मारक कहाँ पे था, बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये स्मारक कहाँ पे था, कौन सी सिटी में था, तो ये सिटी थी आपकी न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति या फिर उनके स्मारक का अनावरण किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की पहली बैठक जो हुई थी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं इसके लिए नीति फोरम की जो पहली बैठक हुई थी इसकी मेजबानी किसने करी, कौन से स्टेट में ये बैठक हुई थी, तो ये बैठक हुई थी त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नीति आयोग की नीति फोरम की जो बैठक हुई थी ये इसकी मेजबानी कौन से स्टेट ने करी, तो मेजबानी करी थी त्रिपुरा ने इस स्टेट की इस बैठक की मेजबानी करी थी। और इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया चीफ किसे बनाया गया है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया चीफ आपका बनाया गया भानु प्रताप शर्मा को, मैम ने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया था कि ये जब ये अपॉइंटमेंट हुआ था तो भानु प्रताप शर्मा को नया चीफ बनाया गया, और इससे पहले जो इसको लीड कर रहे थे वो थे डॉक्टर विनोद राय, और विनोद राय जी के बारे में बता दूं ये कैग में भी रह चुके हैं पहले, और विनोद राय जी ने बहुत बड़े बड़े घोटाले ओपन किए थे, तो काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं विनोद राय जी। और भानु प्रताप शर्मा की बात करी जाए तो भानु प्रताप शर्मा इज़ द न्यू चीफ ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, भानु प्रताप शर्मा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की नई सचिव कौन बनी है, भारतीय प्रेस परिषद इसकी नई सचिव कौन बनी है, इसके भारतीय प्रेस परिषद की जो नई सचिव बनी है ये है अनुपमा भटनागर जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसका इनका नाम मैम ने डिस्कस किया है
लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि ये डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ मुझे, लेकिन अनुपमा भटनागर ये नाम बहुत याद आ रहा है और भारतीय प्रेस परिषद की नई सचिव बनी अनुपमा भटनागर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन बात हो रही है आईटी उद्योग का संगठन जो होता है नैसकॉम, नैसकॉम के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। नैसकॉम भारत की जितनी आईटी फर्म्स होती हैं, जितने स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए कॉमन एक जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होती है इसे बोला जाता है नैसकॉम। नैसकॉम के अध्यक्ष किसे चुना गया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसके अध्यक्ष बने हैं ऋषद प्रेम जी। ऋषद प्रेम जी और नैसकॉम का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनली आईटी कंपनीज के लिए होता है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और हालांकि ये लोग स्टार्टअप्स को भी मदद करते हैं, तो अगर आपके पास कोई स्टार्टअप है तो आप नैसकॉम के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, उनकी टाइम टू टाइम बैठक भी होती हैं और कंपनीज, और अब इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं ये बन गए हैं ऋषद प्रेम जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन एडीबी जो बैंक होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने हाल ही में अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट, अपनी ग्रोथ रेट मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी इसका प्रेडिक्शन दिया है, और एशियन डेवलपमेंट के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट जो रहेगी वो रहेगी 7.3%। कितनी रहेगी भारत की ग्रोथ रेट एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग, 7.3%। और एक और जो न्यूज आ रही है ये आ रही है आपके पैन कार्ड वाले ऑफिस से, एक जो चीज होती है ट्रांसजेंडर्स के लिए पहले सेपरेट बॉक्स नहीं होता था, अगर आप पैन कार्ड का पहले फॉर्म भरते थे तो पहले कोई बॉक्स नहीं होता था, वहां पे सिर्फ दो ऑप्शन होते थे मेल या फीमेल, और ये काफी मतलब हर्टफुल था उन लोगों के लिए जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब ये चेंज हो गया है पैन कार्ड के, अगर आप नया पैन कार्ड का फॉर्म भरोगे, जो पैन कार्ड का फॉर्म आप भरते हो फॉर्म नंबर 49A, जो भारतीय नागरिक भरते हो फॉर्म नंबर 49AA, जो विदेशी नागरिक भरते हैं, इन दोनों फॉर्म्स में अब एक तीसरा कॉलम भी ऐड रहेगा जो रहेगा ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए, तो अब आप इस बॉक्स पे मतलब जो ट्रांसजेंडर उनको कुछ भी हर्ट नहीं फील होगा और वो आराम से इसको टिक कर सकते हैं। और इसके हिसाब से एक और जो चीज़ है कि हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की सूची दी है, हेरिटेज फाउंडेशन आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में उन्होंने भारत को कौन से नंबर पर रखा है, उन्होंने भारत को रखा है 130वें नंबर पे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, ये इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर। और अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, एसबीआई क्लर्क का टारगेटेड पे ज्वाइन करना है, रेलवे हो, व्यापम हो, संविदा हो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा अवेलेबल है जो है पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट। नंबर्स पे आप एक बार कॉल कर लीजिए 9070555453 और 9777716716। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर।